ट्रिकी ट्रैक पे चेस करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है वो आज आप लोगों को पता चल गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश स्वागत करता हूँ क्रिकेट कीड़ा के नए वीडियो में और मैं आप लोगों के लिए मैच रिपोर्ट और एनालिसिस लेके आया हूँ दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बेहतरीन रोमांचक मैच की। आईपीएल का 13वां मैच था और मैच रोमांचक तो था क्योंकि दो सबसे स्ट्रॉन्ग टीमें, दो प्रबल कंटेंडर आईपीएल 2021 जीतने को मैच था। तो दोस्तों, टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया जो कि सराहनीय फैसला था क्योंकि जो सेकंड इनिंग में चेस करना होता है वो बहुत ट्रिकी बात होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए किया और ये बहुत ही नेचुरल फैसला था, कोई भी इसमें शॉक या सरप्राइज नहीं हुआ होगा। तो मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्विंटन डिकॉक फ्लॉप हुए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड ज़रूर करी पर सूर्य कुमार यादव हमेशा की तरह ज़्यादा तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का इस आईपीएल सीज़न में मुझे लगता है कि कोई भी लंबा स्कोर नहीं बना है और उसका कारण ये है कि वो अपने स्ट्राइक रेट के चक्कर में जो थोड़ा बहुत बैटिंग अवेयरनेस रहती है वो उस हिसाब से नहीं खेलते। क्या पता ड्रेसिंग रूम या डगआउट से उनको यही मैसेज मिलता हो, बट मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव अगर थोड़ा सा और सेट होकर खेले तो मुंबई इंडियंस और अच्छा स्कोर बना सकती है। तो दोस्तों, फिर बात ये हुई कि 24 रन पे आउट हुए सूर्य कुमार यादव मात्र 15 गेंदों में। उसके बाद रोहित शर्मा बहुत दिन बाद आईपीएल में पहली बार सेट हुए थे इस सीज़न में, पर 44 रन पे उनको आउट किया अमित मिश्रा ने। जैसे ही अमित मिश्रा ने आउट किया रोहित शर्मा को, वैसे ही पिच में ना जाने क्या हो गया, बॉल टर्न करने लगी और बैक टू बैक झटके देने शुरू कर दिए। हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया, उसके बाद ललित यादव ने किरण पोलर्ड को आउट कर दिया, फिर कुणाल पांड्या को अमित मिश्रा ने आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्पिन कॉम्बिनेशन ललित यादव और अमित मिश्रा के बीच में इतना कारगर रहा कि मुंबई इंडियंस स्ट्रगल करती नजर आई। हालांकि ईशान किशन और जयंत यादव के थोड़े स्ट्रगल के बदौलत मुंबई इंडियंस ने 137 बना लिए थे, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक फाइटिंग टोटल था, बट हाँ क्लोज टू फाइटिंग टोटल था। 150 बनते तो फाइटिंग टोटल हो सकता था, आई विल से इट एज अ पार स्कोर फॉर दिस पिच, बट 137 10-12 रन कम हो गया। मुझे लग ही रहा था कि यही मैच को डिफाइन करेगा। तो शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स में शुरुआत उनकी अच्छी नहीं रही। पृथ्वी शॉ पिछले सीजन की तरह अपनी आती हुई फॉर्म को किस तरह ख़राब कर रहे हैं आप वो देख सकते हैं। पृथ्वी शॉ आते हैं, अपनी शॉट्स खेलते हैं, पर वो स्ट्राइक रेट पे ओवर फोकस करने के चक्कर में अपना विकेट फेंक बैठते हैं। वो करते हैं जो शिखर धवन नहीं करते। शिखर धवन भी तेज़ खेलते हैं बट वो क्रिकेटिंग लॉजिक से बैटिंग करते हैं जिस वजह से वो बड़े स्कोर बना पाते हैं, और उन्होंने आज फिर यही किया, अपनी ऑरेंज कैप को बेहतरीन तरीके से रिटेन किया और स्टीवन स्मिथ के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की जिससे दिल्ली मैच में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे आ गया था। और कहीं ना कहीं 15वें ओवर के बाद जो मैच पलटता है उसके लिए पहले ही दिल्ली कैपिटल्स को तैयार कर दिया था। स्टीवन स्मिथ ने एक अच्छा रोल प्ले किया, 33 रन बनाए, हालांकि उनको पोलैंड ने सरप्राइज करके आउट कर दिया। पर शिखर धवन दूसरी ओर से उन्होंने जो अपनी फॉर्म है वो दिखाते रहे, पर शिखर धवन भी ज़्यादा देर चल नहीं पाए और 44-45 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, मात्र 7 रन पे आउट हो गए। पर ललित यादव को आज नंबर 4 पर प्रमोट किया गया था, तो वो एक समझदारी भरी पारी खेल रहे थे, वो पिच को समझ रहे थे कि मुझे कैसे खेलना है। एक डोमेस्टिक क्रिकेट का मंझा हुआ खिलाड़ी ऐसे ही खेलता है और ललित यादव के खेल से पता चलता है, चाहे उनकी बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी, कि वो पिच को समझ के खेलते हैं। और वो चाहे T20 गेम हो, चाहे 50 ओवर, चाहे 4 डे या 5 डे गेम हो, वो कंडीशंस को भापते हैं फिर खेलते हैं। तो ललित यादव ने काम बेहतरीन तरीके से किया और अंततः वो टिके रहे। और ना जब पंत आउट हुए तो हेतमेयर आए, हेतमेयर वैसे भी अटैकिंग बैट्समैन है, उन्होंने अपनी शॉट्स खेलने का उनको मौका मिला। हालांकि 19वें ओवर में अगर जसप्रीत बुमराह 2 नो बॉल ना करते तो शायद ये मैच मुंबई इंडियंस जीत सकता था, पर शायद यही होता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। दिल्ली कैपिटल्स ये मैच 5 गेंदे शेष रहते जीत गया, पर मैं ये कहूँगा कि मुंबई इंडियंस मैच तभी हार गया था जब उसने लगातार 3-4 विकेट खो दिए थे अमित मिश्रा के सामने। आज के मैच के हीरो हैं अमित मिश्रा, जिन्होंने 4 ओवर में 24 रन देके 4 विकेट लिए और ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर्स में बहुत करीब आ गए हैं वो नंबर 1 पे आने पे। लसित मलिंगा से मात्र वो 4 विकेट दूर हैं ऑल टाइम आईपीएल लीडिंग विकेट टेकर्स की लिस्ट में। और अमित मिश्रा ने जिस राज गेंदबाजी में अपना एक्सपीरियंस दिखाया, मेरा तो मन कहता है कि अगर ऐसी गेंदबाजी करते रहें तो अपकमिंग आने वाले भारत में T20 वर्ल्ड कप में उनको ज़रूर कंसिडर करो, क्योंकि चहल और कुलदीप की फॉर्म तो कहीं मुझे दूर दूर तक दिख ही नहीं रही है। तो दोस्तों, ये थी मैच की आज की रिपोर्ट और एनालिसिस। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करो, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि कहाँ पे मुंबई इंडियंस ये मैच हार गया।
साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए क्रिकेट कीड़ा इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जो हमारी वेबसाइट है www.cricketkira.in उस पर रेगुलर विजिट करके लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हो, और जो हमारा फेसबुक इंस्टा ट्विटर हैंडल है उस पर फॉलो करके आप बैक टू बैक अपडेट्स पा सकते हो दिन भर। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।